हेलो गाइस, वेलकम टू सृजनास्टिक आइडियाज़। आज हम बनाने वाले हैं ये ड्रीम बिग का होम डेकोर। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो पहले हमें एक लेटर्स के जो है स्टेंसिल लेने हैं, जैसे बी एन जी, एंड आफ्टर कटिंग इट हमें कुछ ऐसा लेटर बचेगा। अब हमें एक लंबा सा स्ट्रिप लेना है जो कि हमारे विड्थ के बराबर होगा, मतलब हमारे लेटर को जितना हाइट चाहिए उतना। एंड देन उससे 1 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा स्ट्रिप हम लेके उसे इस तरीके से काट लेंगे। सो दिस विल हेल्प अस टू स्टिक दैट। अब लेटर के पीछे के भाग को हमें ये स्ट्रिप को स्टिक कर देना है, जो कि हमें 3D इफेक्ट देगा। मैं पहले आपको कर्व्ड एडजेस कैसे स्टिक करना है दिखाती हूँ, हम वहीं से शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मगर बहुत ही ईजी है। So see, wherever we need curves, like in the letter B, हम कोई भी एक sharp edge वाली thing, जैसे हमारा pen हो या कोई needle जैसी, उसे हम एक crease बना लेंगे। मैं यहाँ एक pen use कर रही हूँ। Then we have to continue the same process. फिर से हमें यहाँ फोल्डिंग चाहिए, तो फिर से हमने यहाँ क्रीज बना लिया। बस थोड़े पेशेंस से इसे कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ ऐसा लेटर बचेगा मिलेगा। ऐसे ही हमें सारे लेटर्स बनाने हैं। हमने बी आई जी और ड्रीम सबके अपने अपने साइज में जो है लेटर्स बना लिए हैं। अब हम इसे पेंट करेंगे। मैंने यहाँ नॉर्मली ऑयल बेस्ड पेंट्स यूज़ किए हैं, आप कोई भी पेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ये वाला पेंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस यू विल गेट इन एनी हार्डवेयर शॉप। तो वी हैव टू पेंट इट वेरी नाइसली। 2-3 कोटिंग्स देंगे तो अच्छी शाइनिंग आएगी। ये देखिए हो गया आउटर पार्ट। हमने सारे बी आई जी को भी पेंट कर लिया। अब हमने वैसे ही बनाए से जो लेटर्स हैं, जैसे डी आर ई ए एम, हमें उन्हें गोल्डन, मैंने उन्हें गोल्डन से स्प्रे किया है, गोल्डन स्प्रे से। ये कुछ मिनट्स में ही ड्राई हो जाएगा, सो वी नीड नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर ड्राइंग हमें ये जो लेटर्स हैं, मैंने एक प्लाईवुड का पीस लिया है जिसे मैंने ब्लैक से पेंट कर रखा है, उसके ऊपर मैंने ये लेटर्स को सेट कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टिक दीज लेटर्स विद द हेल्प ऑफ अ हॉट ग्लू गन। यू कैन डू इट विद द नॉर्मल फेविकॉल, डबल साइड टेप टू, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस।
जो प्लाईवुड का पीस मैंने यूज़ किया है, इट्स अ जनरल प्लाईवुड, मैंने उसे जस्ट थोड़ा सा सैंडिंग करके स्मूथ करके, देन आई हैव पेंटेड इट विद द सेम ऑयल बेस्ड पेंट एंड लेट इट ड्राई फॉर टू डेज। बस जब ये हो जाए इसके नीचे ही बिग आएगा जो कि हम डबल साइड टेप से वॉल के ऊपर डायरेक्टली स्टिक कर देंगे। बस बन गया, इट्स वेरी इजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे क्रिएटिव।